भाई साहब, जिस तरीके से उदयपुर के विकास और सौंदर्यीकरण के अंदर जैसे जैसे रैंकिंग गिरती जा रही है, वैसे वैसे गिरिराज समिति के पास नए नए उपकरण, नए नए मशीनरी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जनता को बहुत बड़ी आहत कर रही है। जिस तरह से आज का मामला आया है कि जो मशीन आपके द्वारा शहर के सड़कों को साफ करने के लिए लगाई गई है, वह कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता के जान से खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है। नहीं, निश्चित रूप से हमने एंटी स्मोक गन मशीन जो करोड़ों रुपए की लागत से हमने मंगवाई है, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि जो प्रदूषण लेवल उदयपुर का धीरे धीरे महानगरों की तरफ बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि 350-400 तक जा रहा था, तो इसमें सरकार ने से रिक्वेस्ट की, सरकार ने मशीन भेजी, और भेजने के बाद में तो आज वास्तव में हम 78-85 का हमारा आजकल जो अंक चल रहा है, तो ये लगता है बेस्ट पर्यावरण का माहौल पिछले 1 सवा महीने से मशीन चलने से बना है। मैं निश्चित रूप से उसके जो माइनस पॉइंट देखने को मिले हैं पिछले 1 सवा महीने में कि जब मशीन चलती है तो रोड पे जो पानी गिरता है, गिरने के कारण कई 2 व्हीलर के जो हमारे महिला हैं, माताएं हैं, बहनें, पुरुष जो भी हैं, युवा साथी जो गिर रहे हैं, उसका जरूर हमने अभी संज्ञान लिया है। और संज्ञान लेने के बाद में आज ही हमने सवेरे गैराज में बैठक की है, हमारे गैराज अधीक्षक और हम सब बैठे हैं कि भाई ये एक्सीडेंट कैसे रुक सके, कोई जनहानि नहीं हो, इसकी हम पूरी चिंता कर रहे हैं। इसलिए आने वाले आज से हमने एक बार कहा है कि जो एंटी स्मोक गन की जो नीचे के जो फुहारे चलते हैं रोड पे, जिससे रोड गीली हो जाती है, उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए, सिर्फ ऊपर वाले ही फुहारे चले तो पेड़ पे हैं, या जैसे इसका 100 फीट तक का जो एरिया रहता है, तो ऊपर ऊपर वाले जो नीचे का, जब वो बूंदे नीचे गिरेगी तो उससे जितना भी पर्यावरण के जो 2.8 के कण हैं या 4.8 के हैं, वो खत्म होने के होंगे। कुछ ऐसी है प्रक्रिया, एक हमने वो सोचा है कि सवेरे या रात को जब ट्रैफिक कम चलता है तब भी हमने इस मशीन को चलाने के लिए हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि मगर इन लोगों का कहना है कंपनी का कि रात को क्योंकि गाड़ियां कम चलती है तो प्रदूषण लेवल बहुत कम होता है, तो वो उतना उपयोगी नहीं होती है, इसलिए हमें इसे दिन को चलाने में या सवेरे चलाने में। पर ये जरूर है कि हम अब पूरी तरह से ये हमने कमर कस ली है कि कोई भी मशीन के पानी के कारण गिरे नहीं, उसके लिए हम अपनी तैयारी कर ली। भाई साहब, जितने लोग गिर गए उनका नुकसान भी हुआ है, तो क्यों ना जिस तरह से नगर निगम की पार्किंग होती है उसमें ठेकेदार जो गाड़ियां रखता है और वहां उसका कलर खराब हो जाता है, अभी जैसे या पार्किंग है उसमें, तो वो एक मुआवजा देता है, तो उन लोगों का क्या जिसका दोष ही नहीं है, वो लोग गिर गए तो क्या मुआवजा देना चाहिए? किसी का मरघट टूट गया, किसी का बेंट पड़ गया, किसी के हॉस्पिटल पहुंच गया वो। नहीं, वास्तव में कुछ नुकसान हुआ, कुछ को लगी है, कुछ मामूली से गिरे लगे हैं, सब चीज हुई है। हमारे पास जो भी 8-10-15 केस आए हैं, निश्चित रूप से सहानुभूति हमारी पूरी उनके साथ है, मगर भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं है और न हो आगे भविष्य में, उसके लिए हम बराबर तैयारी कर रहे हैं। रही बात है कि ऐसा कोई भी क्लेम करने वाला अभी तक हमारे पास आया नहीं है, ये तो मानवता बनती ना, आज कोई भी दो गाड़ियां टकराती तो जिसका ज्यादा नुकसान होता वो मुआवजा देता है उसको। मैं आपको बताऊं, अगर जैसे आज कोई सवेरे की घटना है, 5-7 गाड़ियां गिरी है, और जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसकी गाड़ी गिरी है और ये है, तब तक हम लोग उन लोग तक पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है और ऐसा कोई गिरता है, नुकसान होता है, तो डेफिनेट अगर नगर निगम में वो अपनी एप्लीकेशन या अपनी जानकारी में लाएंगे, हमारे तो संज्ञान में लाएंगे, तो डेफिनेट हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे कि अगर छोटी मोटी कोई बात है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर कोई बड़ी बात हुई है तो उसके लिए जरूर हम कोशिश करेंगे उसको सहायता मिले। 17 करोड़ की मशीन जो लगभग कई आज साल भर हो गया होगा, वो खाली गैराज के अंदर ही पड़ी है, मादड़ी के अंदर, जी उसका कोई भी काम मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा, ना जनता को नजर आ रहा, ना जनता ने उसके दर्शन भी नहीं किए हैं। वो पड़े पड़े 17 करोड़ आम जनता के राजस्व प्राप्त किए हुए टैक्स से लाई हुई मशीन क्या करना ये था? निश्चित रूप से पिछली सरकार जो राजस्थान सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने राजस्थान में ऐसी 4 मशीनें 5 मशीनें खरीदी और खरीद के उन्होंने एक मशीन हमें भी बेची यहाँ पे, क्योंकि जोधपुर, जयपुर, कोटा, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, हमारे यहाँ पे भी बिल्डिंगे बड़ी है, जो अभी जो दूसरी मशीन है उस रेंज की नहीं है वहां जाके आग बुझा सके, मगर ये मशीन है, ये मशीन डेफिनेट आज 100 मीटर तक
आराम से जाके आग बुझा सकती है, मगर अभी तक हम जरूर अभी ड्राइवर को और उसके जो ऑपरेटर है उनको हमने कह रखे हैं कि 15-20 दिन या 1 महीने में इसको चला के टेस्ट करके इसको अपन ध्यान उसको तैयार रखें, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। पर बिगड़ घटनाएं तो कभी सी भी साहब भाई साहब अभी कहीं आपको भेज बता नहीं दो, सकते। चेतक पे टावर पे आदमी चढ़ गया था, वहां वो काम आ सकती थी, लेकिन उसको चलाने वाला ऑपरेटर नहीं था। और बता देता हूँ मैं, 5-5 लाख रुपए के सेंसर है, वो खराब हो चुके हैं, लाइट तोड़ के नई लाई गई है, 50,000 रुपए की लाइट आई है। नहीं, ऐसा अग्निशमन अधिकारियों से हमारी बराबर चर्चा हुई है, और पहले गौतम जी थे, अभी बाबूलाल जी आए हैं, उनसे बराबर चर्चा हो रही है। गाड़ी का क्योंकि ये अग्निशमन के अधिकारियों के तहत रहती है और उनसे हमारी बराबर है, अगर ऐसी कोई खराब, और क्योंकि पहले बात तो इस कंपनी का ही मेंटेनेंस का मैटर है और कंपनी इसका ध्यान रखेगी, तो इसलिए अभी नगर निगम के ऊपर ये लोड नहीं है। और ऐसी कोई चीज है, बाकी ये जरूरी है, मेरे बाबूलाल जी से बात हुई, पहले गौतम जी से भी हुई थी, कि हम बराबर इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सब चेक करते हैं और वापस इसको कंप्लीट करके रख देते हैं। पर हाँ, इच्छा थी कि शोभापुरा चौराहा है यहाँ पे कैसे ले जाके एक बार इसको प्रैक्टिकल देखा जाए कि इसका कितना मार है, कहाँ तक आग बुझा सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बिल्डिंग मेरे हिसाब से शोभापुरा चौराहे पे ही है और वहां पे अपन कर सकते हैं। तो कुछ दिनों में अभी बाबूलाल जी से बात करके, हमारे महेंद्र जी भगोरा अध्यक्ष उनसे ही बात करके और इसका प्रैक्टिकल करेंगे, और इसके अगर मशीन खराब भी होगी तो भी सामने, और अगर कोई इसके आप कह रहे हैं बूस्टर बेयरिंग जो भी खराब हुए तो सामने आ जाएंगे, और उसको और कंपनी इसको अभी उसके अंडरटेकिंग में है, उसी गारंटी पीरियड में। एक दूसरा सवाल ये, एक सबसे बड़ा अभी जो आप कह रहे हैं कि कचरा संग्रहण की बात, उसको लेके ऑटो वालों को कहना है कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे हमारे को यार्ड के बाहर लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करने के तहत जो मशीन लगाई गई है वो काम नहीं करती है, और 8 घंटे से ज्यादा वो वहां पे बाहर खड़े खड़े समय निकाल रहे, लाइनें लग रही है ऑटो की, तो किस तरीके से वहां काम हो रहा है, क्या उनका निरीक्षण नहीं हो रहा है? नहीं, ट्रांसफर स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं आप, डेफिनेट जो बीच में तकलीफ आई थी, अभी वो तकलीफ रही नहीं थी, पर बीच में एक तकलीफ आई थी कि वहां पे जो सीमेंट का जो रपट बनी हुई थी उसके लोहे के जो एंगल थे जिसपे वो मशीन चलता था, डंपर वगैरह लोडर वो कंटेनर चलता था, वो कंटेनर टूटने के कारण वो कंटेनर नहीं जा पा रहा था सही ढंग से, तो उसके कारण बहुत देर लग रही थी गीला और सूखा अलग अलग करने में। पर अब वो समस्या है वहां पे हल हो गई है और अब वो समस्या भी नहीं है, मगर डेफिनेट है कि हमने उससे कंपनी जिसको हमने ठेका दे रखा उसको हमने कहा कि भविष्य में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई करेंगे। एंटी फॉगिंग मशीन के द्वारा आपको इसी वो क्षति पहुंचती है, तो क्या उसकी भरपाई अगर बात सामने आती तो होगी? निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई बड़ी जनहानि होती है और ऐसा कुछ होता हमारे पास आता है आदमी, तो डेफिनेट हम उसके ऊपर विचार करेंगे।